अस्सलामुअलैकुम। साल 2023 रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम के ऊपर पूरा गया है। पिछले एक साल के अंदर रिमोट काम करते हुए मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए और थ्रू आउट द ईयर मैंने क्या क्या अपनी जर्नी से सीखा, ये वीडियो इसके बारे में। तो भाई, साल का जब आगाज़ हुआ मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था, जिसके अंदर मैं अपनी कंपनी की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे, गूगल एड्स वगैरह पे मार्केट करता था ताकि पोटेंशियल B2B क्लाइंट्स को मैं गैदर करके सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकूँ। इस पूरे एक्टिविटी के अंदर मुझे मेनली डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना है, उसके अलावा एड्स रन करने हैं, बजट्स को चेक करना है एंड दैट्स इट। और एक छोटी सी टीम है जिसको मुझे मैनेज करना है कि उनकी एक्टिविटी सारी स्मूथली रन कर रही है और कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस पूरी एक्टिविटी को मैं घर से भी जब कर रहा था तो ये मैंने देखा कि जहाँ ऑफिस में मैं 8 आवर्स बैठ रहा था, वहाँ मैं घर में बैठ के सेम काम 4 आवर्स में भी कर सकता हूँ, 5 आवर्स में भी कर सकता हूँ। तो बाकी जितना टाइम बच रहा था दैट वॉज फ्री टू मी। वन सेकेंड, मैं जब ऑफिस जाता था और आता था तो मेरा 1.5 आवर इन्वेस्ट हो जाता था थ्रू आउट द ट्रैवलिंग, वो पूरा एक्सपेंस बच गया। बाहर अगर हम खाना खाने जा रहे हैं, डेली बेसिस पे हम लोग बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लंच लेके जाएंगे नहीं, और चलो कंपनी प्रोवाइडेड फूड था लेकिन स्टिल कभी हम बाहर जाते थे उसमें हमारा खर्चा होता था, पेट्रोल में हमारा खर्चा होता था। तो जितना भाई आप बाहर निकलते हैं खर्चा होता है, इसी तरीके से आप बाहर ज़्यादा निकलना है तो आप फिर कपड़ों पे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो तमाम खर्चा मेरा बच रहा, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। तो जहां अगर मुझे पूरे मंथ में मिसाल के तौर पे ऑफिस आने जाने में, फ्यूल में और अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को देखूँ तो 30,000 रुपीज़ खर्च हो रहे थे, तो वो 30,000 रुपये मेरे कम्प्लीटली बच गए। अब ये वो 30,000 मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ पे खर्च कर सकता हूँ, अपनी फैमिली पे खर्च कर सकता हूँ। तो दैट वॉज़ द नंबर वन बेनिफिट आई गॉट। पैसा भी बच रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है और ऑप्टिमिस्टिक होके मैं बहुत तेज़ी से डेली के काम कर रहा हूँ। दूसरा, आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम इन माई हैंड। अब मेरे पास ये टेंशन नहीं थी कि मुझे रात में लाजमी 12-1 बजे तक लाजमी सो जाना है, क्योंकि सुबह 8-9 बजे उठ के जाना भी तो ऑफिस है। ये वाली झंझट आपकी ख़त्म हो गई थी। सुबह 9 बजे ऑफिस शुरू होना है, आप 8:50 पे उठें, 10 मिनट में मुँह हाथ धो के रेडी हो जाएं, बैठ जाएं, 9 बजे आपकी क्लॉक शुरू हो गई, दैट्स इट। वर्क फ्रॉम होम, दैट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। अब इस तरीके से हम लेके चलने लग गए। लेकिन फिर इसी साल के अंदर जब तक फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हुआ, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन उरूज पे थी, चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करनी थी, तो 70% इन्फ्लेशन लोगों के नज़र में बढ़ चुकी थी एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से एक ये भी इम्पैक्ट आया था। तो हालांकि मैं 30,000 रुपये पर मंथ सेव तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ चीज़ों की महंगाई हो गई तो आप वहीं पर आके खड़े हो गए। तो नाउ आई न्यू कि अब ये इस सैलरी में इतना सुकून से आप इतने कंफर्टेबल होकर गुजारा नहीं कर सकते जिस तरीके से आप पहले कर सकते थे। नाउ आई हैड टू फिक्स इट। अब बिफोर आई मेड एनी हार्श डिसीजन, मैंने अपनी कंपनी से पहले डिस्कस कर लिया कि भाई इतनी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई है, आप मेरे पे स्केल को इतना एडजस्ट कर दो, और आई गेव देम सम टाइम। तो पहले 1-1.5 महीना मेरी कंपनी ने सोचा इस बारे में, फॉर द टाइम बीइंग मैं भी बैठ गया, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इससे इतना। लेकिन जब 1.5 महीने बाद कंपनी ने बोला अच्छा जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा ना हम तब कर देंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में 4-5 महीने। नाउ आई गॉट थिंकिंग कि अच्छा मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, मुझे उसके लिए भी पे करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं, अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन 6 महीने आगे लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन और इतनी तेज़ी से चीज़ें भाग रही हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज जस्ट टू सी। अव्वल तो देखो मैं इंटरव्यू कोई भी नहीं छोड़ता था, जस्ट टू सी कि भाई मेरी अभी इस वक्त स्टैंडिंग कहाँ पे खड़ी हुई है, मैं कितने पैसे और कमा सकता हूँ, और सेकंड ये कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। मैं 4 चीज़ें सीख के बैठा हूँ और इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें ऑब्सोल्यूट होने वाली हैं, तो ये सब बेकार है। ये सब पता कैसे चलेगा, जब आप रेगुलरली इंटरव्यूज़ देते रहेंगे आपको पता रहेगा कि भाई बाकी कंपनीज किस तरीके से काम कर रही हैं, इस तरीके से भी एक तरीके से आप अप टू डेट रह सकते हैं। तो आई स्टार्टेड गिविंग सम इंटरव्यूज़, 2-3 इंटरव्यूज़ के बाद मैंने जॉब स्विच करी। अब ये जॉब जो थी इसके अंदर बात बारे में अच्छी चीज़ ये थी कि इट वॉज कम्प्लीटली रिमोट जॉब, ये एक US बेस्ड कंपनी के साथ थी जिसमें घर से बैठ के आपको काम करना है। प्रीवियस सैलरी के मुकाबले में दे वर ऑफरिंग ट्वाइस द मनी, तो 2x आपकी सैलरी वैसी हो गई। नाउ यू आर वेरी कम्फर्टेबल के ठीक है, अब पाकिस्तान में महंगाई हो ना हो आपको सैलरी US डॉलर में मिलेगी और यू आर कम्फर्टेबल विद दैट। तो इस तरीके से हमने स्विच कर लिया। नई कंपनी के अंदर चीज़ें सीखने में थोड़ी सी टाइम लग गया, फॉर 1-2 मंथ्स आई वॉज जस्ट लर्निंग द प्रोसेसेस, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि
वो बिल्कुल कोई नई चीज़ कर रही थी, बस उनके काम करने के तरीक़ेकार में फ़र्क था, और जिस प्रीवियस कंपनी में हम काम करते थे उसके काम करने के तरीक़ेकार में थोड़ा सा फ़र्क था। अब क्योंकि मैं रिमोट काम कर रहा था तो अब मुझे छुट्टियां लेने से पहले या ट्रैवलिंग करने से पहले भी किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। भाई इससे पहले ना कहीं भी जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए हमें बहुत मतलब छुट्टी वट्टी के मामला देखने पड़ते थे, 10 चीज़ें देखनी पड़ती थी कि कंपनी का किसी भी तरीके से काम डिस्टर्ब ना हो। पिछले साल मैं 2 दफ़ा सुकून से मरी हो के आ गया, मैंने आराम से जहाँ मुझे ट्रैवलिंग ऑप्शंस बना देते कर लिए। उसके बाद साल एंड में मैं यहाँ दुबई भी आ गया, अब मैं यहीं से काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये रिमोट जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा था। मेरे जो दोस्त मेरे साथ ट्रिप पे गए थे, दोनों को छुट्टी लेनी पड़ी थी, बहुत प्रॉब्लम के साथ उन लोगों ने इसको करा, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैंने मरी गया, मरी में जाके मैंने एक ऐसा से होटल देख लिया जहाँ पे इंटरनेट चलता हो, वहीं से काम कर लिया, एंड इट वाज गुड टू गो। दे डिडंट केयर कि कराची में बैठ के काम हो रहा है या मरी में बैठ के काम हो रहा है, और स्पेशली क्योंकि मेरी जॉब रात की थी तो मैं सुबह में अपने दोस्तों के साथ जाके ट्रैकिंग कर सकता हूँ, जंगल में घूम सकता हूँ, मरी में शॉपिंग कर सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। रात में आना है मुझे, ऑनलाइन होना है, अपना काम कंप्लीट करना है, 2-3 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करानी है, एंड दैट्स इट। सो दैट वाज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग रिमोट फॉर एन ईयर। थर्ड बेनिफिट जो कि रिमोट काम करने का हुआ, दैट वाज के आई कुड फ्रीलांस मोर। इससे पहले जब मैं जॉब कर रहा था और अगर मैं साथ में फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भाई 9 to 6 ऑफिस, उसके बाद घर आने के बाद भी मैं बजाय इसके कि अपने आप को रेस्ट दूँ उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेके बैठ रहा हूँ, तो दैट वाज एक्सट्रीमली हेक्टिक। लेकिन अब क्योंकि जब आप रिमोट काम कर रहे हो तो आपके यहाँ बहुत सा टाइम सेव भी हो रहा है, दूसरा ये कि आप घर पे ही बैठे हुए हो, आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी, तो जो जो फ्री टाइम आपके पास बच रहा है उससे आप रिमोट वर्क करने के अलावा भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। महीने में आप 2 से 3 वेबसाइट्स बना लें या फिर 2 से 3 क्लाइंट्स की अगर एड्स भी मैनेज कर लें तो वो भी एक आपको अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है ऑन अ साइड बेसिस, और आपको कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स नहीं देना। 2 से 3 घंटा आप एक्स्ट्रा काम करके बैठ लें तो दैट्स मोर देन इनफ। तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा के उससे काम करने ने भी मुझे बड़ा फ़ायदा दिया, मेरे पास अच्छे पैसे जमा हुए जो कि इवेंचुअली मैंने फिर बाद में अपनी पर्सनल ज़रूरियात के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया। अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल महसूस किया मैंने थ्रू रिमोट जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग। सो दैट्स इट। नाउ पिछले साल मैंने पूरा रिमोट वर्क किया है, अभी मैं दुबई में एक जॉब के सिलसिले में, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ, स्टिल मेरी रिमोट जॉब चल रही है, वो प्रोजेक्ट भी अपनी जगह पे चल रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इस ईयर क्या होगा वो इस ईयर हम साथ साथ सीखते रहेंगे कि अब हमने क्या अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस किया, बट ओवरऑल रिमोट जॉब से भाई बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप लोगों को रिमोट जॉब हासिल करनी है तो सिंपल सा तरीक़ेकार है, लिंक्डइन पे जाएं, जॉब सेक्शन में जाएं और फिल्टर्स में जाके आप उसमें सिर्फ रिमोट जॉब के सेक्शन को ऐड कर दें। उसमें जितनी जॉब्स हैं आप अप्लाई करते हैं डेली की बेसिस पे, मैं तो भाई 7-8 जॉब्स अप्लाई कर रहा था जितनी पॉसिबल हो। एक हफ्ते तक मैंने इसी तरीके से बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की और अगले हफ्ते से मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गई, कुछ कॉल्स जल्दी भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप भी रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो। अच्छा एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इससे पहले मैं 2 से 3 साल कॉर्पोरेट में काम कर चुका था ऑन फील्ड, तो हो सकता है मुझे जॉब हासिल करने में थोड़ी सी आसानी हो गई। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाए पहले ऑन जॉब, उसके बाद आप रिमोट जॉब की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भाई काफ़ी आसान हो जाती है इससे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।